आजकल सब्जी में मिलावट की चीजें मिल रही हैं, जिसे खाने के बाद कई बार तबीयत तक खराब हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है शामली से, जहां सब्जी खाने से एक परिवार की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि शामली के गांव मकमूलपुर में घर में बनी आलू टमाटर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हालत बिगड़ गई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। तो वहीं एक की हालत गंभीर होने की वजह से इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है। आज ये बस सब्जी बनाई थी आलू की सब्जी बनाई थी, लड़के रोटी खा रहा था, इस लड़के नहीं खाई पहले सब्जी। इंदर ने ये कहने लगा उनको, मुझे तो चक्कर सा आ रहा, पर खाता खाता पीछे लौट गया। कौन सा गाँव का मामला? मकमूलपुर। अच्छा, कितने हैं सारे बीमार? यारों की कॉल आई थी लखनऊ से कि मकमूलपुर में खाना खाते हुए 3-4 लोग बेहोश हो रहे हैं। तो हम गाड़ी लेके गए, 2 पेशेंट को हम ले गए, फिर हमने दूसरी गाड़ी बुलवाई, 108 कान लेगी 813, वो गाड़ी दूसरे पेशेंट को लेकर आई, अस्पताल में ला के इलाज चल रहा है। अच्छा, टोटल कितने लोगों की तबियत? 4 लोग। अच्छा, कोई सीट? 2 लेडीज 2 जेंट। किसी की तबियत सीरियस भी है इसमें? हाँ, सीरियस है। कितने लोगों की? 1-2 लोगों की ज्यादा सीरियस। अच्छा, कहाँ रेफर किया है उन्हें? मेरठ के लिए। बता दें कि पूरा मामला शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव मकमूलपुर का है, जहां सतेंद्र का परिवार सुबह खाना खाकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सुबह के खाने में परिवार की महिलाओं ने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, जिसे परिवार के 4 लोगों ने एक साथ बैठकर खाई थी। बताया गया है कि खाने के बाद दोपहर के समय परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी दस्त की शिकायतें शुरू हो गई। अचानक हालत बिगड़ जाने के बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सभी को जमीन पर तड़पता हुआ देखकर ग्रामीणों ने आनन फानन में मामले की सूचना 108 पर दी, जिसके चलते 108 एम्बुलेंस सेवा तत्काल मौके पर पहुंची और सभी गंभीर लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला पर भर्ती करा दिया। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर ने परिवार के सभी सदस्यों को भर्ती कर इलाज शुरू किया, जबकि सत्येंद्र को गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सब्जी खाने से आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो वहीं डॉक्टर लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत है। वहीं डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि लोग मिलावटी खाना खाने से बचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।